नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज। मैं मोनिका भारती। आई नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। रोज डे पर खूब बिके फूल। इस पूरे हफ्ते को मोहब्बत करने वाले आज से वैलेंटाइन डे वीक मनाते हैं। यह रोज डे से शुरू होकर ब्रेकअप डे पर समाप्त होता है। आज के दिन बरेली में लोग फूल खरीदते दिखाई दिए और एक दूसरे को फूल देकर मोहब्बत का इजहार करते हैं। इस खबर पर सिटी न्यूज के रिपोर्टर शिवानी ने मौके पर जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो वहां के दृश्य को अपने कैमरे में कैद करवाया। हम बात करते हैं अपनी रिपोर्टर शिवानी से। जी शिवानी, नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी संदेशी और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। दरअसल प्यार के दिन शुरू हो चुके हैं, समझ तो आ ही चुका होगा। और प्यार के दिन में जो 7 दिन होते हैं जो कि युवा पीढ़ी को ज़्यादातर पसंद आते हैं, तो वो है 7 दिन में जो पहला दिन आता है मेरे हाथ में रोज डे। क्या आप समझ ही चुके होंगे कि आज है रोज डे, तो सिटी न्यूज के सभी दर्शकों को हैप्पी रोज डे। और उसके बाद 7 दिन कंटिन्यू चलते रहते हैं, फिर आता है वैलेंटाइन डे। तो आज है रोज डे, तो हम सभी यहाँ पे लोग जो खड़े हैं उनसे जानेंगे कि रोज डे क्यों कैसे मनाया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तनुप्रिया। मेरा नाम है तनुप्रिया और ये वैलेंटाइन वीक जरूरी नहीं अच्छा, है कि सिर्फ एक मिनट, पहले तो मैं आपको रोज दूंगी और हैप्पी रोज डे कहूंगी। सिटी न्यूज के दर्शक भी देख रहे हैं आपको और हैप्पी रोज डे। थैंक यू। हाँ, अब आप मुझे बताइए कि स्पेशली रोज डे क्यों मनाया जाता है? रोज डे मनाने का ऐसा कोई स्पेशल वो तो नहीं है मोटिव, लेकिन कहते नहीं है कि अपने बॉयफ्रेंड या जो भी है हस्बैंड वाइफ सभी सेलिब्रेट करते हैं। एक्चुअल में हम तो फ्रेंड्स भी सेलिब्रेट कर लेते हैं। अच्छा, फ्रेंड्स में कर लेते हैं? हाँ, फ्रेंड्स में सेलिब्रेट कर लेते हैं। अब बॉयफ्रेंड नहीं है तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सही कहा, जिसका बॉयफ्रेंड नहीं है वो कहाँ सेलिब्रेट करेगा, तो वो अपने दोस्तों के साथ करेगा। बट हाँ, मैं ये फूल वापस लूँगी आपसे क्योंकि अभी हम और लोगों के साथ रोज डे मनाएंगे और इधर पर भी हम थोड़ा जाते हैं। हैप्पी रोज डे मैम। सेम टू यू। हैप्पी रोज डे। सेम टू यू। कैसा रोज डे मन रहा है आज? अच्छा बन रहा है, फ्रेंड के साथ। फ्रेंड के साथ मन रहा है? अच्छा, वो जो थी वो आपकी फ्रेंड थी? हाँ जी। तो आप कहाँ का सीन है, कहीं जाने का सीन है? नहीं, हम लोग घूम के आ रहे हैं। अच्छा, आपके बॉयफ्रेंड है? मेरे नहीं। नहीं बॉयफ्रेंड है? नहीं है, नहीं यही है। तो मैम के भी बॉयफ्रेंड नहीं है, फिर मैं फूल ले रही हूँ और भी लोगों से जानेंगे हम। फूल तो मैंने ले लिया है और मैम ने बहुत प्यार से बता दिया कि जिसके बॉयफ्रेंड होते हैं वो स्पेशली ये दिन मनाते हैं, लेकिन वो लोग भी ये दिन मनाते हैं जिनके बॉयफ्रेंड नहीं होते हैं, वो अपने फ्रेंड्स के साथ मनाते हैं। आइए मेरे साथ, मैं और लोगों से जानती हूँ। सर, हैप्पी रोज डे सर। सर छुपिए, सर छुपिए नहीं, हम आपसे पूछेंगे नहीं, आप हम आपसे ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे। आप हमारे कैमरे में देखकर बोलिए हैप्पी रोज। सेम टू यू मैम। थैंक यू सर। सर, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आज रोज डे है और रोज डे ज़्यादातर जो मनाया जाता है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं ऐसा कहते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग तो हाँ, आप कैमरे को देख कर बताइए। मेरे हिसाब से तो नहीं है, फ्रेंड भी आपस में मना सकते हैं, भाई बहन भी मना सकते हैं, रोज डे सबके लिए है। ऑब्वियस सी बात है, लेकिन सर यही क्यों कहते हैं कि ये जो होते हैं वो प्यार के प्रतीक वाले डे होते हैं? सही है, तो ये चीज़ आपको भी कहना सही है, प्यार का प्रतीक है, तो प्यार माँ बाप के भी बीच होता है, फ्रेंड के भी बीच होता है, सबके बीच होता है इसीलिए। अच्छा, तो मतलब आप जान मानते हैं ये बात? जी, जी, जो रोज डे है, रोज के साथ साथ जो 7 डेज है वो सभी लोगों के साथ मनाए जाते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल मनाए जाते हैं ना सर। तो ये रोज जो है वो आप मुझे दोबारा दे दीजिए, और मैंने ये रोज दोबारा ले लिया है और ये रोज मैं किसी को नहीं दूंगी क्योंकि ये रोज मुझे खुद मिला नहीं है। आप जानते होंगे, आप सुनना चाहते होंगे कि ये रोज मुझे मिला है पर ये रोज मुझे नहीं मिला है। ये रोज़ मैंने यहाँ से लिया है और मैं इसको वापस यहीं डाल दे रही हूँ। और थोड़ा सर से भी जान लेती हूँ कि असल में रोज़ डे पे सर ये भीड़ जो रोज़ डे पे हो रही है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कोई खास भीड़ तो नहीं हो रही है मैडम यहाँ पे। अच्छा, ये खास भीड़ नहीं हो रही है? नहीं हो रही है, होना चाहिए थी सर। तो अभी तो दिन काफी बड़ा है सर, अभी तो दिन क्योंकि आज संडे भी थोड़ा पड़ गया ना, थोड़ा कॉलेज वॉलेज बंद है, तो इस वजह से थोड़ा सा हल्का है हम लोगों का। अच्छा, मतलब ये कहना चाहते हैं सर कि कोरोना काल ने मट्टी पलीत कर दी है, कोरोना काल ने ये 7 दिन जो काफी ऐतिहासिक दिन होते हैं युवा पीढ़ी के लिए, वो कोरोना काल ने मट्टी पलीत कर दी।
तो इसी के चलते हम सिटी न्यूज़ के दर्शकों को फिर से बोलना चाहेंगे हैप्पी रोज डे। मैं शिवानी संदेशी अपने सहयोगी सत्यम के साथ सिटी न्यूज़ बरेली।